तो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के स्टूडियो में हम ड्रॉ कर रहे हैं बॉल पेन का यूज करके सीनरी ड्राइंग। मैं यूज कर रहा हूँ नॉर्मल 2 डेज का बॉल पेन, जो कि अगर आप अगर एक पीस लेते हैं तो इसका कुछ 3 रुपीज पड़ता है। अगर आप एक पैकेट आता कर एक पैकेट लेंगे तो उसका रेस आपको उसमें सिर्फ 2 रुपीज पड़ेगा। तो मैं उसी पेन का यूज करके आज ड्रॉ कर रहा हूँ एक सीनरी ड्राइंग। इसमें मैं यूज कर रहा हूँ और एक नॉर्मल चार्ट पेपर, और इसमें अब आपको नॉर्मली लाइन ड्रॉ करें, मतलब लाइन बाय लाइन ड्रॉ करना। आपको अगर आप इसमें मर्ज करेंगे तो ये बहुत ख़राब हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। मैंने इससे भी पहले मतलब इसी वीडियो को शूट करने के लिए और एक बार ट्राई किया था, मैंने उसमें मर्ज किया था, राउंड राउंड ड्रॉ कर रहा था तो वो ड्राइंग पूरा ख़राब हो गया। इतना ख़राब लग रहा था कि मैंने उसे यहाँ तक कि फाड़ करके फेंक दिया। तो उसके बाद फिर मैंने लाइन बाय लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया, मतलब एक एक लाइन करके लंबी लंबी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छे से हो रहा। मैंने सोचा कि सीनरी ड्राइंग है, अगर उसमें मर्ज करके भी ड्रॉ करेंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पर बहुत ही ज़्यादा भद्दा लग रहा था देखने, तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो और फिर से मैंने न्यूट्रल स्टार्ट किया ड्राइंग, और इसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको भी इसी प्रकार से करना है लाइन बाय लाइन। अगर आप मर्ज कर देंगे तो आपका भी ड्राइंग ख़राब हो जाएगा। और फर्स्ट आपको लाइटली ड्रॉ करना है, उसके धीरे धीरे आपको डार्क शेड में जाना, मतलब एक बार में ही अगर आप डार्कली यूज कर देंगे तो उसके बाद आपका पतले पतले मतलब लाइन आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर इस तरह से लाइन है। बहुत ज़्यादा फिर उतना अच्छा नहीं लगता, उतना भी जाता है, इसलिए आपको इसी प्रकार से करना। और इसे शेड कैसे करते हैं, शेडिंग कैसे करते हैं बॉल पेन का यूज़ करके, अगर आपको ये नहीं जान पता है या आपको जानना है तो आई बटन पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, उसे जाकर जरूर चेक करें। आपको इसका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको सब पता चलेगा कि बॉल पेन का यूज़ करके ड्राइंग कैसे करते हैं। उसे फुल डिटेलिंग के साथ बताया और बहुत सारे टिप्स भी दिए और ट्रिक्स भी बताया हूँ उसमें, जो कि बॉल पेन का, जो कि बहुत अधिकतम आर्टिस्ट को नहीं पता है, बिगनर आर्टिस्ट को, तो वो आपको भी पता चल जाएगा। तो वो ज़रूर देखें अगर आप अगर बॉल पेन से ड्रॉ करना चाहते तो। और इसमें मैं अब सेकेंड साइड से मैं सेकेंड लेयर दे रहा हूँ, तो इसमें लाइन का मैं डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो इस प्रकार से हमारा ड्राइंग ज़्यादा अच्छा लगता है अगर हम लाइन का डायरेक्शन चेंज कर देते तो। आप साथ ही पेशेंस जरूर रखें, पेशेंस अगर आप खो देंगे तो आपका ड्राइंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। मैं अपर साइड इस साइड में मतलब जरा पेशेंस खो दिया था, तो आप देख सकते कि मैं ड्राइंग जरा इस साइड कहीं कहीं डार्क हो गया, तो और अच्छा नहीं लग रहा, बेहतर लग रहा थोड़ा, तो इसलिए आप पेशेंस रखो। अब धीरे धीरे करें, खैर मैं इससे भी ज़्यादा बहुत रियलिस्टिक कर सकता था, पर इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, और YouTube तो आप सब जानते ही मैं YouTube पर क्यों हूँ, तो आगे बताने का जरूरत नहीं। तो ऐसे मैं रियलिस्टिक ड्राइंग भी करता हूँ, पर उसका मेरे पास डबल फ़ोन ना होने के कारण मैं उसका वीडियो शूट नहीं करता, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप भी चाहते हैं रियलिस्टिक ड्राइंग तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इससे अगर मैं रियलिस्टिक ड्राइंग भी करूँगा, अगर मुझे कोई अगर एक और फ़ोन मिल जाता, क्योंकि एक फ़ोन से मैं रेफरेंस का यूज़ करूँगा और एक फ़ोन से शूटिंग के लिए, तो मेरे पास 2 फ़ोन नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम। इसलिए मैं रियलिस्टिक ड्राइंग जल्दी नहीं करता हूँ पर वीडियो शूट नहीं करता इसका। तो आपको भी इस पर और इस ड्राइंग में ऐसे करना है, मैं नीचे साइड वाटर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके लिए मैं मतलब जो सेम प्रोसेस ऊपर करते थे वही ड्रॉ कर रहा हूँ। और आप स्टार्टिंग में एक बीच में लकीर फाड़ दे, ऊपर साइड स्काई ड्रॉ करना और नीचे साइड वाटर, तो इस प्रकार से अच्छा लगेगा। मैं इसमें भी सेम यूज़ कर रहा हूँ, अलग अलग डायरेक्शन से ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं बहुत सारा पार्ट को स्किप कर दी हूँ क्योंकि आप देखते वरना देखते देखते बोर हो जाएंगे। और मैंने साइड साइड मास्किंग टेप सोचा कि जरूरत नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पर मास्किंग टेप के बिना ड्राइंग बुरा, साइड में टेबल ख़राब हो गया, तो इसलिए आप मास्किंग टेप का यूज़ ज़रूर करें। और यहाँ पर मैं एक बोर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके लिए यहाँ पर आपको शेडिंग करना बहुत ही आपको मतलब डार्कली कर सकते हैं आप। इसमें कोई ये नहीं कि आपको धीरे धीरे लाइट से तो डार्क से जाना, ऐसा कुछ नहीं करना है। और साइड में आइलैंड, दोनों साइड आइलैंड ड्रॉ करके उसमें कोकोनट ट्री ड्रॉ करेंगे। मैं बहुत डार्कली कर रहा हूँ पर रिफ्लेक्शन के कारण ये लाइट के ऊपर जल रही थी, इससे ये ज़रा लाइट दिख रहा है, वरना मैं डार्कली कर रहा हूँ। उस साइड का आप देख सकते हैं, इस साइड जो हमारे हैंड के राइट साइड में है उसमें ये मतलब आइलैंड डार्कली दिख रहा है। मैं इसी प्रकार से पूरे में कर रहा हूँ, पर यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है तो लाइट के कारण, इसलिए ये इस तरह से दिख रहा है। और आपको कोकोनट ट्री की लिप्स बहुत पतली पतली ड्रॉ करनी है और अच्छे से ड्रॉ करना है। अगर आपका लिप्स अगर अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ तो कोकोनट ट्री लगेगा ही नहीं। तो इस सेम प्रोसेस से इस साइड भी हमें ड्रॉ कर देना है। और अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर वो वीडियो है, ज़रूर जाकर चेक करें। और इस वीडियो में और नीचे साइड एक फिश जरूर ड्रॉ कर दो, और फिश में भी सेम प्रोसेस उसी तरह से सेटिंग करना। और इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, एंजॉय द रिव्यू।